संगीन वाकया पेश आया, मोहम्मद कैफ का मर्डर, जो मालेगांव की तारीख का एक स्याह वाकया है। मालेगांव शहर में ऐसे वाकया सुनने को नहीं मिलते हैं जिस तरह की खौफनाक और इज्जतनाक मौत दी गई बच्चे को। और मालेगांव शहर में हालिया दिनों में आप देखेंगे मुस्तकिल तौर पे बच्चों पे जुल्म हो रहा है। तकरीबन साल डेढ़ साल पहले एक बच्चा उमरान जो रज़ा चौक के पास से गुम हुआ, जिसकी आज तक ना उसकी लाश मिली ना उसका कोई पता चला। एक वाकया और हुड़को कॉलोनी के पास सालों पहले हुआ था कि एक बच्चा झूले में से निकाला गया था, वहाँ से चोरी हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है। हैरत की बात यह है कि मोहम्मद कैफ का जब अगवा होने से लेकर उसकी लाश के मिलने तक, जब लाश मिली तो ये बात समझ में आई कि उसके इंतकाल को 24 घंटे तकरीबन हुए, मतलब ये 9-10 दिन अगर बच्चा ज़िंदा था तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का फेलवर है कि पुलिस उसको तलाश करने में, उसको ढूंढने में नाकाम रही। किसी कोई वाकया हो जाना और वाकया के बाद उसका हल हो जाना कि भाई लाश मिल गई, लाश मिल जाना ये हल नहीं है, ये फेलवर है। अगर वो ज़िंदा मिलता तो ये पुलिस का एक तरह से माना जाता कि उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के गुनाह करते हैं उनको डर होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना आबादी, गुंजान आबादी में वो सर्वे नंबर 42 का इलाका होने के बाद भी अगर उस बच्चे को छुपाया गया तो कैसे छुपाया गया, जो इलाके के लोगों को, घर के लोगों को पता नहीं चला। मुसलसल मालेगांव शहर में ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी नज़र आ रही है। आप ये बच्चे को जो इज्जत दी गई है, पिछले चंद साल पहले आसिफा का जो मामला आया था, जिस तरह एक बच्ची को अगवा किया गया था कठुआ में, कश्मीर में, और उसके साथ अजमत दरी की गई, उसको इज्जत दी गई, उसके साथ जिस्मानी उसको तकलीफ़ दी गई, वैसा ही वाकया इस बच्चे के साथ हुआ है। तो ये वाकया होने के बाद कहीं ना कहीं कठुआ की आसफा के बारे में सोचने पे आदमी मजबूर हो गया है कि अगर खातियों को सख्त सज़ा मिलती और खातियों को सज़ा मिलने के बाद एक मिसाल कायम होती तो ये इस तरह के गुनाहगार दिमाग रखने वाले लोग कहीं ना कहीं डरे होते और पुलिस पर भी सख्ती होती, तो वो इस बात को याद रखती कि हमको जो है वो फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर 10-12 दिन कोई गुम रहता है, और हैरत की बात है कि वो अपने घर के पास के ही किसी मुजरिम ने उसको गिरफ्तार किया था, उसको अगवा किया था, और पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रही इतने करीब के लोगों में। तो इसका मतलब ये है कि ना पुलिस का दबदबा आवाम पर है, गुनहगारों पर है, ना सियासी लोगों का दबदबा पुलिस पर है कि वो एक इतने गुंजान आबादी में होने वाले वाकये को रोक नहीं पाए। मालेगांव समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये तय किया है, ये मांग करते हैं हम लोग कि बच्चों के फ़रोग के लिए इंटरनेशनली और नेशनली जितनी भी एकेडमीज़ चलती हैं उनके पास शिकायत दर्ज की जाए, ताकि जो बच्चों पे मुसलसल जुल्म हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो है वो दिल्ली हुकूमत भी कोशिश करे और पुलिस को वो तंबी दे कि ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में पेश ना आए। इसके लिए हम लोग अलामती तौर पर शनिचर के दिन रात में 7 बजे आगरा रोड समाजवादी ऑफिस से सिर्फ ख्वातीन का एक कैंडल मार्च कर रहे हैं सिटी पुलिस स्टेशन के पास अम्बेडकर पुतले पर, जहां अलामती तौर पे हम लोग औरतों का कैंडल मार्च करें, क्योंकि ख्वातीन और बच्चों सबसे ज़्यादा जो है कमज़ोर मानी जाने वाली जो कौम है वो औरत और बच्चा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जुल्म जो होता है वो औरतों और बच्चों पर ही होता है, इसलिए औरतों से एहतजाज करवाया जाए, जिसका असर जो है वो मुकामी तौर पर भी, रियासती तौर पर भी, और बैनुल अक्वामी तौर पर भी जाए। हमारी मांग ऐसी है कि इस तरह के वाकयात माजी में जो हो चुके हैं वो मुस्तकबिल में ना हो पाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला हो। और ये जो वाकया सिर्फ कत्ल का नहीं है, ये इज्जत के साथ मारने का वाकया है जिस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये मांग करने के लिए हम लोग अलामती तौर पे ख्वातीन का कैंडल मार्च कर रहे हैं। मेरे मालेगांव शहर की ख्वातीन से गुजारिश है कि वो शनिचर के दिन 21 तारीख को
20 तारीख को होने वाले एहतजाज में जो रात में 7 बजे से समाजवादी ऑफिस आगरा रोड से निकलकर सिटी पुलिस स्टेशन के पास अंबेडकर पुतले के पास जाएगा, उस एहतजाज में शामिल पहुंचती है, सियासी सामाजिक लोगों तक भी पहुंचती है, लेकिन तब सियासी लोग एक्टिव नहीं होते और अब सियासी एक सियासत ही हो रही है ना इस पे कैंडल मार्च निकालना वगैरह करना। सिर्फ सियासत की बात नहीं है, एक बात आप समझ लो, जब बच्चा घुमा और बच्चा आमतौर पर बच्चे घूमते हैं मैसेज चलने से पहले भी वो वापस अपने घर आ जाते, लेकिन मुसलसल ये 8-10 दिन होने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो तशवीश पैदा हुई। हमने खुद पुलिस से रابطہ कायम किया और उन्होंने ये कहा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो ऑफिसर ने कि हमारी जांच जारी है। अब कहीं ना कहीं कोताही पुलिस की भी है और मालूमात लेने पुलिस का सबसे जो मुस्तहकम तरीका है वो है खबरियों का। पुलिस के खबरी जो हैं वो आवामी तौर पे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं लेकिन गुनहगारों को पकड़ने में काम नहीं करते, ये सबसे बड़ी चूक है पुलिस की। और मालेगांव शहर के आपने जो बोला सियासी लोग, बिल्कुल सही बात है, सियासी लोगों का और नुमाइंदों का पुलिस पर दबदबा नहीं है, जिसकी वजह से एक बच्चा जो 10 दिन तक गायब रहा और उसकी लाश मिली, अगर पुलिस पर दबदबा होता तो वो एक्टिव होती, ये डर होता और वो शायद वो बच्चा जिंदा मिला होता अगर पुलिस कोशिश की होती तो। मैडम आपने एक बात कही कि अज़ियत के साथ मारा गया, ये बात अनऑफिशियली है क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में अभी तक ऐसी कोई भी तफ्तीश नहीं आई है कि वो पहले दिन मरा या आखिरी दिन मरा, तो आप किस आधार पर इस बात? हाँ, जो बच्चे की लाश मिली थी, बच्चे की लाश मिली थी वो डिकम्पोज नहीं हुई थी। एक सीधी बात है, अगर कोई 10 दिन पहले किसी का इंतकाल होता है तो उसके साथ जो है डिकम्पोज होने लगती है बॉडी। बच्चे की बॉडी जो इतने साल का हमारा देखने का तजुर्बा है इसमें डिकम्पोज नहीं हुई थी और अनऑफिशियली ये खबर आई थी कि भाई जिस वक्त बच्चे का इंतकाल हुआ उस वक्त से तकरीबन 24 घंटा पहले उसकी मौत हुई होगी। पुलिस की नाकामी आपने अपनी बात में कही तो ये एहतजाज पुलिस के खिलाफ ही होगा आपका? बिल्कुल, पुलिस की ही नाकामी है कि अगर 10 दिन तक बच्चा जिंदा था 8-10 दिन तक तो वो पकड़ नहीं पाई। इतनी कैसे किसी गुनहगार की डेयरिंग है? अगर पुलिस का दबदबा होता, पुलिस का तो इतना दबदबा रह चुका है, पिछले दिनों आप देखेंगे 12 नवंबर में के बड़े बड़े लोग शहर से भाग गए थे और एक मुजरिम संभाल के बच्चे को रखता तो कहाँ थी पुलिस उस वक्त? क्यों डर नहीं था पुलिस को? पुलिस का कहना ये है कि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो ये बात साबित नहीं होगी कि उसकी डेट कब हुई थी। नहीं, आपका अंदाजा क्या है बॉडी देख के? मैं तो जो ऑफिशियल है वही कहूँगा। नहीं तो आप ऑफिशियल बोलेंगे लेकिन सब बात ऑफिशियल सही रहती है ऐसा नहीं ना। पुलिस ने ये भी नहीं इनकार की ना कि ये जब अगवा हुआ था जब इंतकाल हो गया था, लेकिन बॉडी के जो फोटोज आए और उसकी जो हालत थी उसमें ये नहीं लगता था कि वो 8-10 दिन पुरानी बॉडी है। मैडम आपने कुछ बच्चों के तरफ तो इशारा किया जैसे उमरान को कॉलोनी का बच्चा है, फातिपुरा के दो बच्चे गुमशुदा है जिनकी अभी तक ना लाश मिली है ना उनकी कोई खबर है, उस तालुक से आपका क्या लाया हमारे? देखो, एक हिंगलाज नगर में एक वाकया हुआ था, बच्चों की बात तो है बच्चे ना समझ होते लेकिन हिंगलाज नगर में 2 लोगों को आबादी में गुंजान आबादी में उनका कत्ल हो गया और कत्ल होने के बाद आज तक यानी बॉडी मिलने के बाद भी आज तक पुलिस ने ना मुजरिम को पकड़ा है ना कोई तरह का सुराग ढूंढ पाया, तो ऐसा कौन सी चीज़ आके मार के चली गई थी कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई? तो ये पुलिस के लिए अलमिया है, कहीं ना कहीं फेलवर है ना पुलिस का। ये किसी भी एक आवाज़ उठ रही है कि अरसलान का जो मुजरिम था वो जो है जमानत पे लिया है तो वो केस को दोबारा ये किया जाए। एक बात समझ लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाने की बात इसीलिए हो रही है कि उसमें जो है उनका जो काम होता है वो मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है और परफेक्टली काम होता है। जब कोई मुजरिम छूटता है, मुलजिम छूटता है तो उसकी अहम वजह ये होती है कि सबूत की कमी होने की वजह से, तो पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसने इतना पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि जो मुलजिम है वो मुजरिम ही कहलाए, वो छूट ना जाए। अरसलान के मामले में ये बात हुई है कि पुलिस ने अपने केस बनाने में इतना कमज़ोर केस बनाई कि वो छूट गया, ऐसा इस मुजरिम के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए फास्ट ट्रैक की मांग हम लोग ने की। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बात बार बार आ रही है कि अमन बनाए रखे, शांति बनाए रखे, ऑर्डर बरकरार रखे, अगर आप इस तरह का प्रकार से मोर्चे अगर निकालेंगे तो वापस शहर का माहौल मतलब गर्म हो जाएगा। हमेशा से आवाम की ही जिम्मेदारी रही है
कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती। पुलिस अगर अपनी काम जोश से की होती और वाकई उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो ये वाकया ही नहीं पेश आता ना। ये वाकया पेश नहीं आता तो आवाम को ज़रूरत नहीं पड़ती। हर आदमी का एक काम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि वो जुर्म होने से रोके और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखे। अब जब जुर्म हो जाएगा तो लोग अपना गुस्सा भी नहीं बताएंगे और पुलिस अपना काम भी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता।